इंडिकेटिव एक्शन में कुछ और स्टॉक्स हैं जो कमजोर हैं, उनमें एक देखिए आइडिया सेलुलर 3.5% नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। नतीजों का असर है ये, जो इंटेंस कंपटीशन बढ़ा है पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री में, उसका असर कंपनी के नंबर्स पर भी दिखा है, डेटा और वॉइस रेवेन्यू ग्रोथ पर भी असर आया है। हरी, आप कैसे देखते हैं नंबर्स को, और क्या नंबर्स के बाद जो कमजोरी है आइडिया सेलुलर में वो और बढ़ सकती है? नहीं, डेफिनेटली आई थिंक जिस तरह आइडिया सेल्यूलर ने अपना डेटा प्राइसेस को स्लैश किया है और आप उनके आरपू देखिए, आई थिंक आरपू इज ऑल्सो डाउन ड्रास्टिकली फ्रॉम अबाउट 145 टू अबाउट 131। तो आई थिंक एक बात तो साफ है कि जो रिलायंस जियो की वजह से कॉम्पिटिशन और प्राइस प्रेशर आया है, दैट इज बिगिनिंग टू शो ऑन द बॉटम लाइन ऑफ ऑल दिस टेलीकॉम कंपनीज। और हम पिछले छः महीने से यही कह रहे हैं कि विद इन द टेलीकॉम आपको एक डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा कि जहाँ पर जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है जैसे भारतीय इंफ्राटेल है, आरकॉम है, दे विल आउट परफॉर्म द टेलीकॉम सर्विस कंपनीज लाइक भारतीय एयरटेल एंड आइडिया। सो वी आर स्टिल होल्डिंग अंडर दैट व्यू। चलिए एक बार मार्केट को भी देख लेते हैं। आज संकेत जिस तरह के हैं, निफ्टी करीब 12 पॉइंट ऊपर रुका है, इंडिकेटिव टिक्स में 8721 का लेवल है, लेकिन आज नज़र ऑब्वियसली रहेगी एटलीस्ट निफ्टी में भी, शुरुआत में जो टाटा ग्रुप के स्टॉक्स उन पर, और उन सभी को आज टाटा स्टील 4.25% नीचे है, इसके अलावा टाटा पावर है जो कि 2% नीचे है, टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स DVR दोनों पर 1.5 से 2% की गिरावट है, TCS करीब 1% नीचे इस समय ट्रेड करते हुए। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर नुकसान है। इसके अलावा आइडिया सेलुलर है रिजल्ट्स के बाद 3.5% नीचे ये दिख रहा है, BPCL, NTPC, HCL टेक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक और यस बैंक, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर लाल निशान देखने को मिल रहा है। सो आई थिंक जो एक्शन होगा दीपाली वो स्टॉक स्पेसिफिक टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर ज्यादा होगा, एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इट्स वेटेज वो कुछ हद तक जो इंडेक्स है उसे भी सप्रेस करेगा। बिल्कुल, कुछ और सेगमेंट्स होंगे जो कि आज परफॉर्म कर सकते हैं या फिर जिनका इंडिकेशन इंडिकेटिव एक्शन में मिल भी रहा है। आप छोटे स्टील स्टॉक्स को देखिए इंडिकेटिव एक्शन में, वीजा स्टील 8.5% ऊपर है, उत्तम कालवा स्टील में भी करीब 6% का मूव देखा जा रहा है, भूषण स्टील 48 के स्तर पर 5.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ये जो स्पार्क दिख रहा है, जो खरीदारी दिख रही है, ये असर है कल की बैठक का जो वित्त मंत्री ने PCBs के साथ की है या फिर स्टील सेक्टर के प्रतिनिधियों से बातचीत की है, और एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा सकता है कि जो बैंक्स हैं वो सस्ती दरों पर इस सेक्टर को लोन मुहैया कराएं ताकि वो अपने बिजनेस को रिवाइव कर सकें या फिर ग्रोथ इमर्ज कर सकें। शर्मा साहब, आप कैसे देखते हैं इस खबर को, जो छोटे स्टील स्टॉक्स में स्पार्क दिख रहा है, क्या ये टिकाऊ हो सकता है अगर इस तरह का कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है? ये डिसीजन का मेरे ख्याल से टेम्परेरी ही इसको समझना चाहिए, और एक पावर की कंपनी अगर और दूसरी अन्य कंपनियां जो PSUs इन इस तरह की कंपनियों को टेक ओवर करती हैं तो वो उन कंपनियों के लिए भी अच्छा नहीं है और उनके जो पेरेंट हैं उनको उनका पैसा भी अच्छी तरह यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये बैंकिंग सेक्टर के NPAs कम करने की बात तो हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से इन कंपनियों को फ़ायदा होगा इस पर एक सवाल निशान खड़ा होगा। तो इसको महज एक ट्रेडिंग बाउंस समझना चाहिए इस समाचार से रिलेटेड जो स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं उनको। जी, इंडिकेटिव एक्शन के कुछ और मूवर्स को देख लेते हैं जो जहां पर तेजी दिख रही है। मुथूट कैपिटल, नतीजों का असर है, 6.5% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 293 के लेवल्स पर। भूषण स्टील की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, एक आप देखिए भागीरथी इंडस्ट्रीज, कल भी ये शेयर चला था, आज भी 5% ऊपर इंडिकेटिव एक्शन में 710 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। एल्फा लेबोरेटरीज, छोटा स्टॉक, 5% का मूव, 43 के लेवल्स पर ट्रेड करते हुए। कुछ छोटे जो टेलीकॉम स्टॉक्स हैं वहां भी खरीदारी दिख रही है, सास्कन कम्युनिकेशन, जेमनी कम्युनिकेशन छोटी कैटेगरी के स्टॉक हैं, लेकिन 5 से 6% की बढ़त लेकर ये शेयर्स अभी के सत्र में कामकाज कर रहे हैं। कुछ और मूवर्स भी हैं जिनमें आप देखिए जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स में जो कल हमने शाइन देखी थी वो आज भी कंटिन्यू हो सकती है। रेनेसा ज्वेलरी करीब 4% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में लगातार बाइंग हम देख रहे हैं, सांगवी 4G के एक और स्टॉक जहां पर 4.25% का मूव है, 39 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लिकर स्टॉक्स में कल हमने कुछ सेशंस के कंसोलिडेशन के बाद वापस बाइंग देखी थी, वो बाइंग आज फिर से दिख रही है। पाइन एम्ब्रॉयडरीज, यहां पर खरीदारी दिख रही है करीब 73 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है 3.5-4% के गेंस लेकर। और स्टॉक्स को ऐड करें तो टेक्सटाइल और पेपर स्टॉक्स में भी बाइंग है जहां पर हम लगातार खरीदारी देख भी रहे हैं पिछले कुछ सेशन से। लंबोदरा टेक्सटाइल 9680 के लेवल्स पर 3% का उछाल लेकर ट्रेड कर रहा है। पदम जी पेपर, यहां पर खरीदारी है। सुराना सोलर, गोकुल रिफॉल्स, ये कुछ और मूवर्स हैं। मार्केट्स खुलने वाले हैं और इंडिकेटिव एक्शन में निफ्टी अब 12 अंक ऊपर 8721 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स 20 पॉइंट नीचे है 28160 के स्तर पर। पंजाब नेशनल बैंक पर भी नजर रखिए, आज PNB हाउसिंग का IPO ओपन होगा, कल 0.5% गिरकर ये बंद हुआ था लेकिन स्टॉक अभी 0.5% ऊपर ट्रेड करते हुए। ICICI बैंक अपने रीसेंट मूव को अभी भी सस्टेन कर रहा है, निगेटिव एक्शन में 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। नतीजा आएंगे आज एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के, और ये तीनों स्टॉक सभी फ्लैट स्टोन पर है। बिल्कुल, चलिए तो इस पर नजर रखेंगे, बाजार इस बीच खुलने वाला है, नजर ऑब्वियसली रहेगी
टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर, लेकिन इसके अलावा इंडेक्स की जो ओपनिंग है वो कुछ हद तक फ्लैट इज नॉट गोइंग एनीवेयर एक्चुअली, 12 पॉइंट ऊपर 8721 के आसपास का लेवल। लेकिन ये जो स्टोरी है इसमें जैसे अभी शर्मा जी भी कह रहे थे कि आपको खरीदारी का मौका मिल सकता है, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये ऐसा नहीं है कि आज ही खरीदारी का मौका है, बिकॉज दिस स्टोरी विल कंटिन्यू, इन फैक्ट इट विल बिकम अगली जैसे लीगल बैटल दोनों के बीच में शुरू होगा, जो संकेत चापोजी पालोनजी ग्रुप ने भी दिए हैं, दे विल चैलेंज दिस इन हाई कोर्ट, और टाटा ग्रुप ने भी इनफैक्ट अभिषेक मनु सिंह भी और हरीश सालवे इन दोनों को ब्लॉक किया हुआ है इस लीगल बैटल के लिए। तो ये अभी शुरुआत है और ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आई थिंक इसका इम्पैक्ट जो है मार्केट विल कीप फैक्टरिंग इन इफ़ यू गो बाई हिस्ट्री। तो नज़र डालते हैं इंडेक्स पर, शुरुआती टिक यहाँ पर निफ्टी पर आया है और वो खुला है 8 पॉइंट ऊपर 8717 के लेवल पर। लेट्स स्विच टू टाटा ग्रुप, TCS 1% नीचे, टाटा मोटर्स 1.5% नीचे, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस 3.5% नीचे, टाटा स्टील 3.5% नीचे इस समय ट्रेड करते हुए, और काउंटर्स में टाटा कॉफी है जो कि 2% नीचे है, टाटा केमिकल्स 3%, टाटा कम्युनिकेशन 3.5%, टाटा मोटर्स का DVR है जो कि करीब 2% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। बाकी स्टॉक्स में टाटा पावर है, टाटा स्पॉन्ज और TTML इन सब पर नुकसान देखने को मिल रहा है। रैलिस इंडिया करीब 1.5% ऊपर है, लेकिन बाकी सारे स्टॉक्स पर सेलिंग प्रेशर इस समय देखने को मिल रहा है। वोल्टास पर नुकसान है, इंडियन होटल्स, ट्रेंट, TRF ये कुछ अकाउंटर्स हैं जिस पर सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। अक्रॉस द बोर्ड सारी कंपनीज ऐसी हैं टाटा ग्रुप की जिस पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। शापोजी पालोनजी ग्रुप के स्टॉक्स को देख लेते हैं, दैट इज फोर्ब्स एंड कंपनी एंड गोकाक टेक्सटाइल्स। फोर्ब्स एंड कंपनीज करीब 3.5% ऊपर है, गोकाक टेक्सटाइल्स करीब 3.5% ऊपर, बट दीज आर नॉट द फैंसी स्टॉक्स, यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, आज हो सकता है थोड़ी एक्टिविटी देखने को मिले, लेकिन नजर रख सकते हैं इस पर। फोर्ब्स इनफैक्ट 4.5% ऊपर जाते हुए, निफ्टी इस बीच नेगेटिव हुआ है, 8700 डिफेंड होगा या नहीं ये देखना होगा। रिजल्ट इम्पैक्ट एक बार देख लेते हैं आइडिया पर, आइडिया खुला जरूर नीचे था लेकिन अब करीब 1.5% की गिरावट है, तो हल्की सी रिकवरी इसने दिखाई है। जो बाकी लूजर्स हैं इंडेक्स के, इसमें भारतीय एयरटेल है जो कि 0.5% नीचे है, और काउंटर्स में NTPC है जो कि लाल निशान में समय ट्रेड कर रहा है, और साथ ही HCL टेक यहाँ पर 0.5% की गिरावट है। हिंदुस्तान यूनिलीवर थोड़ा सा फ्लैटिश इस समय ट्रेड करते हुए, तो निफ्टी लाल निशान में गया है। एक बार गेनर्स देख लेते हैं जल्दी से निफ्टी के, इसमें ICICI बैंक है जो कि करीब 2% ऊपर है, 290 के लेवल तक ही गया है। भारती, इंफ्राटेल, सिप्ला, एशियन पेंट्स और सन फार्मा ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर हरा निशान है, और साथ ही मारुति सुजुकी ये करीब 0.5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हैं। ONGC को देख लेते हैं, कलका स्टार मूवर जो कि 4-5% के गेंस लेकर क्लोज हुआ था बोनस इशू प्लान्स के बीच में, आज शुरुआत जो है वो फ्लैट स्टोन पर हुई है, 292 के लेवल्स पर ONGC अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन छोटी छोटी पॉकेट जो मूव कर रहे हैं उनमें जो रिफ्लेक्शन इंडिकेटिव एक्शन में दिखा था उसी रुझान पर ये सभी शेयर्स ओपन हुए हैं, स्पेशली छोटे स्टील स्टॉक्स। उत्तम गालवा स्टील अब 12.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है 37 के लेवल्स पर। पंजाब नेशनल बैंक 0.5% ऊपर, PNB हाउसिंग का IPO आज से ओपन हुआ है, स्टॉक 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। नतीजा आएंगे आज एक्सिस बैंक 1.5% की मजबूती लेकर 523 का स्तर देखा जा रहा है। HDFC बैंक के भी नंबर्स आने हैं, नंबर से पहले कल भी ये स्टॉक 1% कमजोर हुआ था, अभी भी 1% की वीकनेस देखी जा रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शंस नहीं है। भारतीय एयरटेल के नंबर्स को लेकर भी स्टॉक 0.1% नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। नतीजे आ चुके हैं आइडिया सेलर के, खराब नंबर्स रहे हैं और स्टॉक 0.2% कमजोरी लेकर ट्रेड करते हुए। जुबिलेंट लाइफ साइंसेज खबर है, कंपनी की बोर्ड बैठक है इसी हफ्ते जिसमें फंड रेजिंग को लेकर डिसीजन लिया जा सकता है। स्टॉक ने लगातार अच्छा मूव दिया भी पिछले 4-5 महीने में। आदित्य बिरला नूवो पॉजिटिव खबर, 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन आप देखिए उत्तम गालवा को 12% की बढ़त स्टॉक में अब देखी जा रही है। नतीजा एशियन पेंट्स के भी आएंगे, स्टॉक 0.5% ऊपर ट्रेड अभी कर रहा है 1133 के लेवल्स पर। पंजाब नेशनल बैंक ऑलरेडी हमने देखा जहां पर 147 के लेवल्स अभी दिख रहे हैं और 0.5% की मजबूती लेकर ये कामकाज कर रहा है। साथ ही आप एक बार जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस को भी देख लेते हैं, ये टाटा समूह के शेयर्स हैं आपकी स्क्रीन पर, टिप जोन में हुई है, माना भी जा रहा था एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट दिख सकता है। टाटा 2% नीचे है, टाइटन में 1.5% कमजोरी दिख रही है, ट्रेंड टाटा एलेक्साई और टाटा मेटलिक्स यहां भी 1-4% का वीकनेस देखी जा रही है। ये शापोजी पालोनजी ग्रुप के शेयर्स आपकी स्क्रीन पर, जहां पर 5-7% का उछाल इस वक्त देखा जा रहा है। जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स को देख लेते हैं, शुरुआत जो है वो नेगेटिव जोन में हुई है, कुछ चुनिंदा शेयर्स हैं इस पॉकेट के जो परफॉर्म कर रहे हैं, जिनमें रेनेसा ज्वेलरी एक है, 5-6% के मूव लेकर दिन के ऊपरी स्तरों पर ये ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप कैटेगरी के कुछ और शेयर्स बता देते हैं जो कि जिनकी शुरुआत अच्छी हुई है, भूषण स्टील, वीजा स्टील, उत्तम गालवा इनकी हम बात कर चुके हैं, स्ट्रॉन्ग नोट पर ओपन हुए हैं, वॉल्यूम्स भी यहां पर ये गेन कर रहे हैं और दिन के ऊपरी स्तरों पर ये भी सभी शेयर्स आ चुके हैं। कुछ और मूवर्स में एक आप देखिए टेक्नो इलेक्ट्रिक, यहां भी 7.5% का मूव है, वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक है, शुरुआती ट्रेड में अच्छी खरीदारी शेयर में दिख रही है। एक एनजी इंडस्ट्री छोटी कैटेगरी का स्टॉक है लेकिन वॉल्यूम्स आज के सत्र में ठीक है। भागेरिया इंडस्ट्रीज 5% ऊपर आज भी, कल भी 5% के अपर सर्किट पर क्लोज हुआ था। भारतीय इनफैक्ट के अलावा कुछ और शेयर्स देखें स्मॉल कैप कैटेगरी के ही, तो
आप देखिए एपटेक को ये स्टॉक लगातार चल रहा है, हाल ही के जो नतीजे है उसके बाद वापस इसमें एक दायरे के बाद वापस खरीदारी शुरू हुई है, कल भी बढ़कर बंद हुआ था और आज भी 6% की मजबूती लेकर एपटेक ट्रेड कर रहा है, ये शुरुआती तेजी दिख रही है। मुथूट कैपिटल में भी 8.5% का मूव है, 299 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है। TTML के भी शर्मा साहब बातचीत कर रहे थे कि इस स्टॉक को देखा जा सकता है और आप देखिए ज्यादातर टाटा समूह के शेयर्स दबाव में है लेकिन TTML 4% की मजबूती लेकर अभी ट्रेड कर रहा है, खरीदारी TTML में हो रही है, 7.90 रुपए के स्तर इस स्टॉक में देखे जा रहे हैं। कुछ और मूवर्स में उषा मार्टिन है, साथ ही पांडे एम्ब्रॉयडरीज, यहाँ भी 4% की खरीदारी दिख रही है। सांगवी फोर्जिंग, यहाँ भी 3.5-4% का मूव इस वक्त देखा जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन यू नो ये जो टाटा ग्रुप के स्टॉक्स हैं इसमें आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज़्यादा वी शुड नॉट रीड टू मच बिटवीन द लाइन्स बिकॉज देखिए द वे मार्केट्स हैव रिएक्टेड इस खबर पर एंड क्योंकि रतन टाटा इंटरिम चेयरमैन है, 4 महीने का वक्त है जिसके भीतर इनको नया चेयरमैन ढूंढना है, सो दैट कॉन्फिडेंस जो मार्केट को मिस्टर रतन टाटा की लीडरशिप में है वो आज मार्केट के मूवमेंट में रिफ्लेक्ट कर रहा है। आई मीन अब देखिए 148 साल के इतिहास में पहली बार किसी ग्रुप में ऐसा हुआ हो, इनफैक्ट कॉर्पोरेट हिस्ट्री में भी, कि बोर्ड खुद रेजोल्यूशन लाकर चेयरमैन को हटा दे अपने पद से और उसके बाद आप देखें तो जो इनफैक्ट जो वर्स्ट गिरावट है वो भी 2.5-3% के आसपास की, इससे कहीं ज़्यादा खराब गिरावट हमने कई बार खराब रिजल्ट्स पर कई स्टॉक्स में देखी है। सो आई थिंक ये जो कॉन्फिडेंस है दलाल स्ट्रीट का अब यही इंडिकेट करता है मिस्टर शर्मा, जो द फेथ दैट दे हैव रिपोस्ट इन मिस्टर रतन टाटा आई थिंक वही इंडिकेट कर रहा है इस समय इन सारी प्राइजेस को अगर हम देखें। मिरेकल से मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ और असली में जो इशू है वो प्रोमोटर्स का डिफरेंस जो ओपिनियन है उसको लेके है, ऑपरेशनली इन स्टॉक्स में या इन कंपनी में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है खास, तो मेरे ख्याल से वो मैनेजमेंट डिफरेंसेस उनके प्रोमोटर ग्रुप में हो सकते हैं, बाकी कंपनियों में कुछ ऐसा ख़राब काम हो ऐसा नहीं लगता है जो इम्पैक्ट करे, तो मेरे ख्याल से समय तो लगेगा और जो गिरावट है जल्दी से जाने वाली भी नहीं होगी, तो मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा इंतज़ार करके खरीदना चाहूँगा एक्सेप्ट टाटा कम्युनिकेशंस या टाटा मोटर्स, ये दो कंपनियाँ, TTML नहीं, टाटा कम्युनिकेशंस और टाटा मोटर अगर दो गिरती हैं तो इनके अंदर मैं देखना चाहूँगा पोजीशंस लेने के लिए। जी TTML अब डे हाई पर आ चुका है और ज्यादातर टाटा समूह के शेयर्स कमजोर खुले जरूर थे लेकिन निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी इस पूरे ही स्पेस में दिखे। देखिए टाटा मोटर्स भी भरे निशान में आ चुका है और अब 1/4% की बढ़त लेकर ट्रेड कर रहा है। राजेश को ट्रेड आप लेंगे इस समूह से आज के लिए? यस डेफिनेटली, देखिए जैसे मैंने कहा कि एक टाटा गैलेक्सी काउंटर जो मैंने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया, मुझे लगता है कि यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बेहतर है। रही बात समूह के इतर काउंटर्स की, तो मुझे लगता है उसमें से टाटा मोटर मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। इनफैक्ट हमने कल टाटा मोटर में एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन जो होता है उसका एक टेक्निकल ब्रेकआउट देखा था, मुझे लगता है टेक्निकली टाटा मोटर्स में प्योरली इंट्राडे बेसिस पे भी काम हो सकता है। स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना है वो 550 का मेंटेन करना है, जो ब्रेकआउट लेवल है दैट इज़ 565, अगर 565 के ऊपर चला जाए तो डेफिनेटली यहाँ से 2-3% का जंप आ सकता है, तो टाटा मोटर लुक्स बेटर टू मी।